हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। आज है हमारा सी डे, बेसिकली रिलैक्सिंग डे है। कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, पूरे दिन शिप पे रहना है। तो आज हमने सोचा हम करते हैं शिप एक्सप्लोर अच्छे तरीके से, और आपको भी दिखाते हैं शिप पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आप बेसिकली यहाँ एक छोटा शिप टूर, बड़े से शिप का छोटा शिप टूर। तो पूरे शिप में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, किस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं, तो आज शुरू करते हैं यहीं से। बाकी ये फिलहाल हम खड़े हैं अपने बालकनी में। बालकनी से जो व्यू है फिलहाल, उस साइड सारा पानी पानी है। बाकी अगर आप देखें, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि कैसा है शिप, कैसा दिखता है हमारी साइड से बालकनी से, वो है ये। ये पूरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे खूब सारे लोग अपना लगे हुए हैं, बैठे हैं, अपना सन बाथ ले रहे हैं। जैसा ये एरिया है बिल्कुल सेम दूसरी साइड भी है शिप के। तो ये तो हो गया भाई शिप की एक साइड का व्यू जो हमारी बालकनी से है। अब चलते हैं बाकी एरियाज देखने हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे और दिखाते हैं आपको भी। ये हमारे रूम से लिफ्ट तक का सफर है। अब हम लिफ्ट लेंगे और बाकी शिप पे जाएंगे। तो ये हमारे फ्लोर का प्लान। हम इस टाइम यहाँ पे हैं इस वाली लिफ्ट के पास, और हमारा रूम है कहाँ गया ये रहा 14042। ये हमारा रूम है, ये शिप की फॉर्ड वाली साइड पे है, और यहाँ बेसिकली 20 फ्लोर्स हैं। देखा जाए सबसे 20वां फ्लोर जो लास्ट फ्लोर है, वही सबसे ऊपर वाला टॉप फ्लोर, ये है एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए। हमारा एक्सेस यहाँ तक है 19 तक, और डेक 9 से डेक 15 तक दे आर ऑल केबिन्स। उसके बाद देखा जाए तो मेन जो काम करने वाली चीज़ें हैं वो है 8 फ्लोर 7, 6, 5। फोर्थ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और उसके नीचे जो है वो क्रू केबिन्स हैं। अब हम फिलहाल हैं 14 फ्लोर पे। अब हम चलते हैं एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं फ्लोर वाइज। नीचे शुरू करेंगे पहले ऊपर से शुरू करेंगे? नीचे से। ओके, फिर हम चलेंगे सबसे पहले फिफ्थ फ्लोर पे। 5 कार A। So, ये सही है, इनका नंबर बताओ कौन पे जाना, कौन से पे जाना है। अंदर जाके बटन नहीं प्रेस करने पड़ते, यहाँ से ही लिफ्ट आपको बता देता है A आ रही है, B आ रही है, C आ रही है, D आ रही है। हमारी आई है A। We are going all the way to 5th फ्लोर पे एक अपना सी शोर लाउंज है, उसके बाद गेस्ट और रिसेप्शन एरिया है। ये MSC फ्यूचर क्रूज, अगर आपने फ्यूचर के क्रूजेस बुक कराने हैं, उस साइड पे एक दो अपना फोटो सेंटर है, और बाकी उस साइड है, वहाँ चल के देखते हैं। बुफे के अलावा खाने के यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है अपनी क्रूज की प्राइस में। एक है सेंट्रल पार्क, एक है मैनहट्टन रेस्टोरेंट, एक है ट्रिबेका, और दिस इज़ वन ऑफ देम सेंट्रल पार्क। इसमें आप जब बुकिंग कराते हो तो तब आपको ऑप्शन आती है कि आपको अर्ली डाइनिंग करना है या लेट डाइनिंग करना है। हमने अर्ली का ऑप्शन ले लिया, बट लेट का लेना चाहिए था। अर्ली डाइनिंग हमें 5:15 का ही मिल गया, 5:15 तो डिनर करना नहीं होता, तो लेट आके इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। कोई भी जैसे थीम नाइट थी, एलिगेंट नाइट हुई, वाइट नाइट हो गया, कोई भी थीम नाइट होती है तो यहाँ इनके फोटोग्राफर लगे होते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वो आपकी फोटोज़ खींचते हैं और यहाँ पे बाद में डिस्प्ले करते हैं कि आप बाय करना हो तो कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ये कि अगर आप अपना कोई फोटो पैकेज अलग से पैकेज भी ले सकते हो यहाँ पे, कि उस पैकेज में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फोटोग्राफर्स ने आपकी फ़ोटोज़ खींचनी है, उसके बाद वो प्रिंटेड मिलेंगी या फिर आपको ईमेल होंगी, तो वो सब चीज़ें पैकेज में आती हैं। और बाकी इनके इंस्टाग्राम पेज पर भी वो कहते हैं अपलोड करते होते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो ये एली है जो बनी हुई है यहाँ पे, सारी इन्होंने फोटोज़ डिस्प्ले करी हुई हैं सारे क्रूज मेंबर्स, मतलब जो भी पैसेंजर्स हैं जिनकी इन्होंने फोटोज़ क्लिक करी हैं।
तो जो ये पिक्चर्स हैं ये खींची गई थी गाला नाइट वाली दिन, उस दिन जब फॉर्मल्स में आना था नीचे इस एरिया में, जिस दिन फॉर्मल्स कंपल्सरी थे, तो इन लोगों ने खिंचवा ली थी। मैं पता नहीं कहाँ था उस दिन, इधर उधर घूम रहा था उस टाइम पे, बट इनको पकड़ लिया तो फोटोग्राफर ने कि आ जाओ खिंचवा लो। मैंने इनसे पूछा है पैकेज का कितने का पैकेज पड़ता, वो कहते हैं एक फ़ोटो खरीदनी है छोटे वाली तो वो पड़ेगी $25 की, बड़े वाली खरीदनी है तो 35 की, और उसके अलावा पूरा पैकेज अगर 5 फ़ोटोज़ लेते हो तो 80 का देंगे वो लोग, और अगर डिजिटल फ़ोटोज़ लेनी है जिसमें सारी फ़ोटोज़ जितनी भी खींची है वो $200 का पैकेज है। सो हमने तो खिंचाई नहीं इतनी, हम खुद ही खींच लेते हैं, अपने को वीडियो प्रूफ है। फिफ्थ फ्लोर ऑलमोस्ट डन, अब चलते हैं छठे फ्लोर पे, वहाँ चल के देखते हैं और क्या क्या है। छठे फ्लोर पे जैसे एक साइड में हमने देखा वहाँ पे था ट्रबे का रेस्टोरेंट जो कि बिल्कुल सेंट्रल पार्क रेस्टोरेंट के ऊपर है, उसके अलावा यहाँ पे एक लाउंज एरिया है बैठने के लिए है, उस साइड अगर सी व्यू देखना है तो उधर बैठ सकते हैं, बाकी यहाँ पे एक्सकर्शन बुकिंग अगर आपको करानी है तो उसका सेंटर ये है डेस्क, और यहाँ पे एक है शाइन बार जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है, यहाँ पे अपना आओ जिसके पास ड्रिंक्स पैकेज है वो अपना यहाँ पे आए परचेज करें जो भी करें, बाकी अगर आपको ड्रिंक पैकेज नहीं है तो हर एक ड्रिंक के अलग से पैसे हैं, डिपेंड्स आपको क्या लेना है उस हिसाब से फिर आप ले सकते हैं कुछ भी, और वो लेके आराम से आप कहीं भी बैठ सकते हैं। और इसी फ्लोर पे जैसे हमने नीचे फिफ्थ फ्लोर से देखा था ये पूरा एट्रियम कनेक्टेड है, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद, कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है यहाँ पे, और शाम को यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलता है तो पूरा माहौल सेट हो जाता है। तो ये तो एरिया हो गया सिक्स फ्लोर का, शिप की बैकवर्ड साइड पे हम चलते हैं शिप की अगाड़ी पे, जहाँ पे दो तीन चीजें और हैं, बाकी थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं। इतनी बड़ी शिप है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ किस सेक्शन में हम निकले थे, कहाँ पे जा रहे हैं। तो अब पहले हम बैकवर्ड सेक्शन में थे, बैक थे शिप की, अब फ्रंट की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में पड़ रही है खूब सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स। यहाँ पर एक है विंची चॉकलेट बार जहाँ पे आप चॉकलेट खा सकते हो खूब भर भर के लिए, बट उसके लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, वो फ्री नहीं, इंक्लूडेड नहीं है पैकेज में। ये है टाइम स्क्वायर, मिनी टाइम स्क्वायर ऑफ द शिप। सो बेसिकली शिप का सारा थीम है जो दैट इज न्यूयॉर्क सिटी। हाँ, टाइम स्क्वायर हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, हर बार का नाम हो गया, जैसे लॉन्ग आइलैंड बार, ब्रुकलिन बार, मैनहट्टन रेस्टोरेंट, सेंट्रल पार्क रेस्टोरेंट। सो पूरा थीम ही शिप का है न्यूयॉर्क सिटी। ये अपना छोटा सा टाइम स्क्वायर हो गया, आगे चलते हैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखेगा, वो ऊपर अगले फ्लोर पे है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेडिसिन थिएटर जहाँ पे हम सारे अपने शाम को शोज देखते हैं। यहाँ पे दो टाइम शो चलते हैं, 7 बजे और रात को 9 बजे, दिन में 3 बजे भी चलता है, वो इस बार देखेंगे आप। आज 3 बजे होना है मैजिक शो, तो वो देखेंगे यहाँ पर आके मेडिसिन थिएटर में, बट इट्स ह्यूज, शाम को भरा होता है वो पूरा, और जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, बट अच्छा है, अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेट्स गो, शोज अच्छे हैं इनके वैसे, शोज अच्छे हैं। नाउ लेट्स गो टू 7th फ्लोर। मेडिसिन थिएटर हम एंटर किए थे 6th फ्लोर से और बाहर निकले 7th फ्लोर पे जहाँ पे है कैसीनो एरिया। सो
सो उस साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे सारी मशीन गेम्स थी, इस साइड सारी टेबल गेम्स है. सो अपना मुझे इतना पता नहीं है, ज़्यादा रूले हो गया और ब्लैक जैक हो गया, बस इन्हें भी नहीं पता है. ये भी कॉम्प्लीमेंट्री रेस्टोरेंट्स में से एक है. ये तो हो गए रेस्टोरेंट्स वाली बात इस फ्लोर पे. अब हम चलते हैं एक बढ़िया से इलाके में इस फ्लोर के, जो कि है लरूज. तो यहाँ पे होते हैं शाम को बढ़िया इवेंट्स, डीजे नाइट्स और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो डांस क्लासेस हो गई, डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे होता है सेंटर वाले एरिया में. ये थिएटर जो अभी हम थोड़े टाइम पहले आए थे तो बिल्कुल खाली पड़ा था, पूरा भर गया है. 3 बजे का शो है, मैजिक शो, और मम्मी को ले आए भाग के कि जल्दी जल्दी आ जाओ, उसके बाद मम्मी फिर चिल्लैक्स करेगी आज. तो ये अब आगे हैं 8वें फ्लोर पे. तो यहाँ पे जो हम बता रहे थे एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स होते हैं जो पेड हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो अलग हैं. इस फ्लोर पे सारे हैं पेड वाले, जो स्पेशलिटी वाले. तो यहाँ पे ये 6 रेस्टोरेंट्स हैं. इन्फिनिटी पूल और ये है शिप के बैक साइड पे. ये शिप के बैक साइड पे अच्छा व्यू आता है. तो ये थी इन्फिनिटी पूल जो था, ये था शिप की बिल्कुल बैक साइड पे. हम चलते हैं थोड़ा सा आगे मिड के एरिया में. यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी ब्रिज. जकूजी कराने के बाद यहाँ पे स्पा, स्पा पे आ जाओ, अपना मसाज पैकेज वगैरह लो और अच्छे से अपना रिलैक्स करो. नहीं रिलैक्स करना, नहीं स्पा कराना, तो साथ में अपना जिम करो वर्कआउट. लेट्स सी, जिम चल रही है, चलो. वर्कआउट कर लिया, बहुत ज्यादा लग गया. ये जो टाइम स्क्वायर हमने अभी देखा था, उसके अलावा ये है अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और 8th फ्लोर पे इसके अलावा एक स्पोर्ट्स बार है, यहाँ पे मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है. और ये पीछे हमारे ब्रुकलिन कैफे, पर ये बंद है प्राइवेट इवेंट के लिए. तो यहाँ पे लोग ये भी करते हैं कि अपना कोई पार्टी पुटी का नहीं है, एक आध एरिया में प्राइवेटली बुक कर लिया, उसके अंदर फिर करो अपने इवेंट, बाहर की जनता नहीं आती फिर.
तो जी हम 8वीं मंजिल से सीधा आ गए 18वीं मंजिल पे, क्योंकि यहाँ पे 17 फ्लोर नहीं होता यहाँ पे, और 9 से 14 तक सारे कैबिन हैं। हाँ, 9 से 15 सारे कैबिन हैं। 16 जो है वो है बुफे वाला एरिया बेसिकली, और नीचे ये वाला एरिया जो है ये 16 ही है। अभी फिलहाल हम खड़े हैं 18 पे, और 18 पे यहाँ से जो नज़ारा है ये है जंगल पूल, और वहाँ पे उस साइड है हमारे टेबल टेनिस के टेबल्स और वो फूसबॉल। तो जी फिर ये है हॉल ऑफ गेम, यहाँ पे अपना सारी गेम्स वगैरह लगी हुई है, जैसे कि ये है फॉर्मूला रेसिंग कार, पूरी फीलिंग के साथ यहाँ पे अपना गेम्स वेम्स खेलो। यहाँ पे गेम्स फ्री हो रही हैं, सारी पेड गेम्स हैं। तो ये आ गया हमारा एक्वा पार्क, स्लाइड वाला एरिया, यहाँ पे हम स्लाइड्स करेंगे। ये बढ़िया इलाका है, स्लाइड्स कम है पर यहाँ पे स्लाइड्स के लिए ना लाइन लग जाती है। मैं भी पहले वही लेके आया, उसमें ना उस वाली राइड में वो चश्मा लगा देते हैं वीआर वाला, जब नीचे आओ ना तो ऐसा फील होता है बिल्कुल ही पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाली पिक्चर चल रही है, और अपना वही बड़े बड़े ऑक्टोपस निकल के आ रहे हैं, और अपना शिप के इधर उधर से घूम घाम के आ रहा हूँ, बड़ा मज़ा आया उसमें। अब मैं जाने वाला हूँ इस वाली राइड में, उसके बाद फिर इसको भेजेंगे, अभी मेरी बारी, मैं वो कहता हूँ फटाफट। ये इनका स्पोर्ट्स एरिना है, इस पे दोनों चीजें हैं, अपना फुटबॉल भी और बास्केटबॉल भी। सो ये जो जहाँ पे मोस्टली सारी एक्टिविटीज होती है या फिर रात को डीजे पार्टीज होती है, लॉन्ग आइलैंड पूल एरिया, ये पूल है। यहाँ पे कबानास लगे हुए हैं, लोग अपना बैठ के अपना धूप सेक रहे हैं मस्त से। यहाँ पे दो जकूजी है लेफ्ट एंड राइट साइड पे, वहाँ से बैठ निकलो, उसके बाद सीधा पानी में चले जाओ। शाम को यहाँ पार्टीज होती है, डीजे चल रहा होता है, मूवीज चल रही होती है। सो सारा ये काम 18वें डेक पे ही होता है, ओपन स्पेस, ऊपर आसमान, नीचे डांस, म्यूजिक, मूवी, सारा कुछ। फाइनल सेक्शन बुफे, मार्केट प्लेस बुफे में जा रहे हैं हम लोग। चले गए थे वो एक्वा पार्क, और उसके बाद जकूजी, इसलिए फिर कपड़े चेंज चेंज करके अब जा रहे हैं फाइनल सेक्शन। तो ये फिर ये था हमारा छोटा सा, बड़े से शिप का छोटा सा टूर। आप पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलेगा मत। हमने पूरी ट्राई करी है कि जितना हमें पता है उतना दिखा सके, वो हमने सारा दिखा दिया है, और बस इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रॉम MSC क्रूज। अगली बार कोई और लगाए। बाय, गुड नाइट।